कोरोना की रोकथाम के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण करके भी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि अपनी दुकानों को रविवार को बंद रखें। एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान के अनुसार प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रविवार को दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है। निर्णय का पालन करवाने के लिए प्रशासन के द्वारा बाजार का निरीक्षण भी किया जा रहा है और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन करें। रविवार को दुकानें बंद रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं और जब तक कोरोना के संक्रमण थम नहीं जाता तब तक व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना की रोकथाम के लिए जैसा हम सब लोगों को विदित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार और उपायुक्त महोदय हमीरपुर द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें रविवार को एसेंशियल आइटम्स के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। एसेंशियल आइटम में हमारे दूध, सब्जी, मांस और ग्रोसरी के आइटम के अलावा सारी दुकानें बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी दुकानदारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपनी दुकानों में एक तो जो भी लोग आते हैं वो मास्क पहन के आए, दुकान के बाहर आप सैनिटाइजर रखें ताकि जो भी व्यक्ति दुकान में एंटर होता है वो एंटर होने से पहले अपना अपने हाथों को सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। और कल इस संदर्भ में पुलिस को भी हमने डायरेक्शन दी थी और मैं स्वयं भी पूरे बाजार का मैंने निरीक्षण किया था। निरीक्षण में हमने ये पाया कि कुछ एक दुकानदार जो कि जिनकी मिठाइयों की दुकानें हैं वो उन्होंने दूध के एवज में कुछ एक दुकानें हमें खुली हुई पाई गई थी, तो उनको हमने डायरेक्शन दे दी थी और हिदायत भी दे दी है कि अगर नेक्स्ट संडे को या इन फ्यूचर में कुछ ऐसा होता तो उनके अगेंस्ट हम FIR दर्ज करेंगे। इसके अलावा कल हम कुछ लोग बिना मास्क मिले उनके हमने चालान भी किए। हमीरपुर वासियों और खासकर दुकान प्रधान व्यापार मंडल और दुकानदारों से यही अनुरोध है कि कृपया कुछ समय तक, जब तक ये कोरोना का संक्रमण थोड़ा रुक नहीं जाता और सरकार के आदेश नहीं आते, तब तक इन नियमों का पालन करें ताकि हम सब लोग मिलकर कोरोना की इस लड़ाई को हरा